इन दिनों यूपी के मदरसों में सरकार सर्वे करा रही है। यूपी में जितने भी गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं, उन सभी मदरसों में योगी सरकार सर्वे करा रही है ताकि मदरसों की सही जानकारी मिल सके। इसी बीच यूपी के अमेठी में हाईवे किनारे बने अवैध मदरसे पर आज प्रशासन ने बुलडोजर चला दिया। ये मदरसा चारागाह की बेशकीमती जमीन पर बना हुआ था। बता दें कि सोमवार सुबह करीब 5 बजे SDM, CO और 5 थानों के पुलिस फोर्स की मौजूदगी में JCB की मदद से अवैध मदरसे को प्रशासन ने जमींदोज करवा दिया। ये मदरसा साल 2009 से संचालित हो रहा था, तो वहीं मदरसा गिराने के बाद मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। दरअसल ये मामला गौरीगंज कोतवाली क्षेत्र के टांडा बांदा राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित गुजर टोला गांव का है, जहां गांव के ही हसन ने हाईवे के किनारे 160 स्क्वायर फीट के चौराहगाह की बेशकीमती जमीन पर अवैध कब्जा कर मदरसा बनाकर संचालित किया जा रहा था, जिसको लेकर बार बार जिला प्रशासन ने मदरसा को हटवाने के लिए नोटिस भी जारी किया था। लेकिन जब मदरसे के मालिक ने मदरसा अवैध कब्जे की जमीन से नहीं हटाया, तो सोमवार सुबह SDM, CO और 5 थानों के पुलिस फोर्स की मौजूदगी में JCB की मदद से इस मदरसे को जमींदोज कर दिया गया। इस पूरे मामले में DM ने कहा, न्यायालय के आदेश पर यह कार्रवाई की गई है। हाईवे किनारे बेशकीमती जमीन थी जिस पर यह मदरसा बना था, इस पर कार्रवाई करते हुए इसे आज गिरवा दिया गया। तो वहीं मुस्लिम बाहुल्य इलाके में मदरसे को गिराने को लेकर अमेठी SP ने कहा कि मौके पर लॉ एंड ऑर्डर की कोई स्थिति नहीं है। मदरसे को गिराने के बाद वहां बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है। इतना ही नहीं, अमेठी प्रशासन की ओर से न केवल इस मदरसे को गिराया गया है, बल्कि मदरसा मालिक हसन पर 2,24,000 का जुर्माना लगाया है। ये मदरसा 2009 से संचालित हो रहा था, जिसका 2018 से गौरीगंज तहसीलदार कोर्ट में मुकदमा चल रहा था। 2 दिन पहले इस मामले पर फैसला आया, जिसके बाद अमेठी प्रशासन ने ये कार्रवाई की। बता दें कि पिछले 2 सालों से ये मदरसा संचालित नहीं हो। अब देखना है कि क्या इस मामले पर कोई राजनीति होती है कि, क्योंकि इससे पहले तो कई मकानों और दुकानों पर बुलडोजर चलते हमने कई बार देखा, पर शायद ये पहली बार होगा जब मदरसे पर बुलडोजर चला है। पंजाब केसरी TV के लिए अमेठी से शरद कुमार की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।